Assalamu alaikum guys, here is Dr. Hani. Welcome back to another traveling vlog. Hope so you're good and fine. मेरा ये जो traveling vlog है ये भी कोहटा side का ही है. बहुत बहुत ज़्यादा जो है मुझे कोहटा का जो experience रहा मेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा था. First of all हमने जो है वो खाना खाया क्योंकि हमने डे टाइम में करना था ये टूर. और खाना हमने वहाँ पे कोहटा में ही एक ढाबा था, छोटा सा ही, इतना कोई वर्ल्ड डेवलप्ड नहीं है कोहटा, लेकिन यह है कि हमें खाना जो है हमने कढ़ाई को ऑर्डर किया और कढ़ाई बहुत डिलीशियस बनी थी. और हमने खा पी के हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया. और हमने जाना था हिल्ला वाटरफॉल. हमने भी किसी से सुना था कि बहुत ही प्यारी जगह है. हमने जस्ट अपने आप को एक्सप्लोर करना था कि कोहटा में भी बहुत अच्छी अच्छी जगह है. और मैं जहाँ जाऊँ और मैं आपको ना दिखाऊँ ये तो हो नहीं सकता. खैर हमने जो है वो सफ़र जो है अपना बाइक पे किया. और बाइक पे जाना थोड़ा सा मुश्किल था, बट जो रोड है ना वो बहुत अच्छी थी, मतलब इतना मुश्किल नहीं हुआ मेरे लिए. मुझे लग रहा था कि बहुत मुश्किल होगा, लेकिन यह है कि आसानी हुई, मतलब इतना मुश्किल नहीं रहा. सफ़र जो था वो गुज़रता गया. रोड जो है आप देख रहे हैं, रोड बहुत अच्छी थी. खैर ये जो आप देख रहे हैं ट्यूब वेल सा बना हुआ है लाइन, ये बहुत नीचे से सड़क के किनारे से जा रही थी और बहुत नीचे से आ रही थी. तो मैंने किसी से इंफॉर्मेशन ली तो उन्होंने बताया कि ये आगे एक जगह जाके पानी को स्टॉक करते हैं और वहाँ पे जाके ये अपनी जो है वो बिजली बनाते हैं. दैट्स सो गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये जो एक चीज़ थी वो मेरे लिए न्यू थी. खैर पहाड़ बहुत प्यारे थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे. मैं थोड़ा थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स डाल रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि व्यू कैसा था. खैर मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मैंने तो सर्च करके एक दो बंदे की व्लॉग भी देख के मैंने सोचा था कि मैं इस जगह को ज़रूर विज़िट करूँगी और हिल्ला वाटरफॉल ज़रूर देखूँगी. थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, थोड़ा सा लोगों को रोकते हैं जाने के लिए क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा सा बॉर्डर एरिया है तो आपकी इंक्वायरी ज़्यादा ही होती है. तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ. वहाँ पे एक रिजी कैंप था, रिजी कैंप से जाते हुए थोड़ी सी इंक्वायरी हुई हमारी भी. और एक जगह जाते हुए यहाँ से जहाँ से ये जो पहाड़ कट करके, तो ये जो कट करके यहाँ से आगे उन्होंने हमारी वीडियोस को जो है वो डिलीट करवा दिया था. मैं यहाँ से आगे ख़ुद भी वीडियो नहीं डालूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि मैडम आप जो है वीडियो ना डालिएगा. शायद हो सकता है कुछ सिक्योरिटी बाउंड्रीज होती हैं तो मैंने वो चीज़ें आपको नहीं दिखाई. खैर देखिए व्लॉग और इन्जॉय करें. बहुत अच्छा व्यू था, बहुत आगे जाके आपको नज़र आएगा कि हम कहाँ गए, हमारा डेस्टिनेशन कैसा था. मुश्किल के बाद जो है ना वो एंड आपका जो है डेस्टिनेशन वो बहुत ही अच्छा होता है. तो मुझे इस हिल्ला वाटरफॉल को देख के ना, हिल्ला आबशार को देख के मुझे यही लगा कि यार इतना दूर से सफ़र करके आएँ तो कुछ तो अच्छा देखने को होना चाहिए. इर्द गिर्द की जो रोड थी वो अच्छी खासी जो है मुश्किल भी थी, कहीं जगह मुश्किल भी थी क्योंकि आपको पता है कि हिली एरिया है तो हिल वाले इलाके में आपको थोड़ा सा मुश्किल तो होता ही होगा. दूसरा साइड व्यू बहुत अच्छा था, बहुत सारे स्पॉट्स हम लोगों को देखने को भी मिल रहे थे, लेकिन हमने जो है उस पिक्चर्स पे फोकस नहीं किया क्योंकि हमने बहुत दूर जाना था. और हिल्ला से वापस जो है हमने मेन कोहटा में आना था क्योंकि हमने होटल वहाँ पे रखा हुआ था. जो पहाड़ों के दरमियान में से जो रोड जा रही थी ना, मुझे लग रहा था कि मैं GTA Vice City जो एक गेम हुआ करते थे हम खेलते थे, तो वो हम मुझे लग रहा था कि वही हम खेल रहे हैं. खैर बहुत अच्छा व्यू था, रोड बहुत मुश्किल थी ये वाली, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि बताने की कोशिश की कि लाइक रोड ऐसी भी थी, बाइक पे थोड़ा सा मुश्किल भी था, छोटे छोटे पत्थर थे वहाँ से बाइक जो है वो स्लिप भी हो रहा था. खैर रेड ब्रिज, हियर इज़ रेड ब्रिज, बहुत प्यारा ब्रिज था. हम यहाँ रुक नहीं सके, लेकिन यह है कि हेलीपैड्स आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे जो है आगे बस वो जो जिस कैंप की मैंने आपको बात की थी रिजी कैंप, वो आने वाला है. बस यहाँ से आगे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड एरिया था, यहाँ बिल्कुल फौज थी.
जाने दे रहे थे, बट थोड़ा सा इंक्वायरी यू नो लाइक आपको सारा इन्फॉर्मेशन देने के बाद, आईडी कार्ड सबमिट करवाने के बाद, जो जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो सब सबमिट करवाने के बाद आपको वापस आना था। ये है जो पहाड़ों के दरमियान में एक हमारा रिजी कैंप, पता नहीं फ़ौज यहाँ पर कैसे रहती होगी, इतनी सर्दी, इतनी हमें उस टाइम में सर्दी लग रही थी। खैर आपको हिल्ला आबशार नज़र आ गया होगा, ये है हमारा फाइनल जो है वो आबशार की लुक, बहुत ही प्यारी, बहुत बहुत मतलब देखने में यहाँ से हो गया आपको लग रहा होगा क्या मतलब सिर्फ पानी नीचे गिरा, लेकिन जैसे अंदर जाके हमने फील किया ना, थकावट हमारी दूर होगी इसको देखते ही। खैर हम चलते हैं हिल्ला आबशार की तरफ और आप देख के बताइएगा कि कैसा लगा आपको, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। चलें जी हम देख। अब जो है हमने जी जाना है ऊपर वाला व्यू आपको दिखाने के लिए और यहाँ से ऊपर जाके ये देखें जी, एक तो सनलाइट की वजह से रेनबो बन रहा था, वो बहुत मज़े का व्यू आ रहा था। खैर यहाँ से जो गिरता वो वापस मेरे हाथ में बचता ना। खैर ऊपर का व्यू ये था और बहुत ही प्यारी जगह है कोहटा में हिलना वाटरफॉल, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। मैं ज़रूर आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप लोग जाएँ और विज़िट करें। खैर ऊपर जाके वापस नीचे उतरना हमारे लिए मुश्किल हो गया था। खैर यहाँ तक था हमारा आज का व्लॉग, नेक्स्ट व्लॉग तक ज़रूर हमारे साथ रहिएगा, सब्सक्राइब करें, वॉच करें और शेयर करें और ज़रूर सपोर्ट करें, ठीक है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।